मैं पार्टी के नेतृत्व और पार्टी अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे पंजाब प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी के रूप में काम करने का सौभाग्य दिया। मैं पंजाब के कांग्रेस दलों, वहाँ के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, उनके सहयोगियों, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत कठिन समय पर भी बहुत कठिन निर्णय लेने में बड़ा सहयोग दिया। और आज मुझे खुशी है इस बात की कि दो सक्षम हाथों में पंजाब की बागडोर है, श्री चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री और श्री नवजोत सिंह सिद्धू प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, दोनों मिल करके आगे बढ़ रहे हैं। और उनको मेरे सहयोगी जिन्होंने कठिन मौक़ों पर मेरे साथ मिल करके काम किया है, श्री हरीश चौधरी जी का भी निरंतर मार्गदर्शन मिलने जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में मैं एक संतोष महसूस कर रहा हूँ कि पंजाब कांग्रेस विकास के रास्ते पर अग्रसर होगी और उसके साथ साथ मैं नए दायित्व के रूप में जो उत्तराखंड कांग्रेस के कंपेन कमेटी की चेयरमैनशिप है उस पर फोकस कर सकूँगा और उस पद के साथ न्याय कर सकूँगा। मैं निरंतर पार्टी लीडरशिप से आग्रह कर रहा था कि चुनाव के मौके पर मैं अपने मातृभूमि की कांग्रेस के साथ न्याय कर सकूँ, अपने क्षमता का उपयोग कर सकूँ, उसका मुझे अवसर प्रदान करें। अब मैं पूरी निष्ठा के साथ, पूरी शक्ति के साथ प्रदेश कांग्रेस के साथ काम करूँगा। मैं कार्य समिति का सदस्य बनाए रखने के लिए भी कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पार्टी के विकास में सतत अग्रसर होने में मेरा निरंतर सहयोग, निरंतर अब मेरी क्षमता का उपयोग होता रहेगा।